हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पकौड़े। इन सर्दियों में अगर आप चाय के साथ कुछ चटपटा और क्रिस्पी सा खाने का मन करे तो ट्राई कीजिए इन पकौड़ों को। तो देर न करते हुए चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है स्प्रिंग ओनियन। इसे अच्छी तरह से धोकर इस तरह से काट लें। अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे। इसके लिए मैंने लिया है बारीक कटी हुई गोभी, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ आलू। अब सारे सब्जी को एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरा मटर। स्प्रिंग ओनियन। अब इसके लिए हम मसाले तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है भींगे हुए चावल। चावल को मिक्सर जार में डालें। एक छोटा चम्मच साबुत जीरा डालें। आधी छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च। आठ से दस लहसुन की कलियां, पांच या छह हरी मिर्च। तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालें और इसका पेस्ट तैयार कर लें। अगर आप इस तरीके से पकौड़े बनाएंगे तो पकौड़े का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तैयार किए हुए पेस्ट को पकौड़े में डाल दें। अब इसमें आप बेसन डालें। नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर और साबुत जीरा हम डालेंगे इसमें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। अब सारे सामग्री को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें। पकौड़ी के लिए मिक्सर तैयार है। अब हम गैस पे कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम होने पे इसमें तेल डालें। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करते हुए इस तरह से पकौड़े को डालें इसमें। एक साइड से थोड़ा सिकने के बाद इसे पलट दें। दोनों साइड से पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लें। ये सारी सामग्री सर्दियों में ही अवेलेबल होते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। पकौड़े हमारे तल चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ सर्व करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।